Namaste everyone, welcome to Kalaspoorthi channel Art Inspiration. Before we are going to the video, please like, share, subscribe our channel. Hello दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक homemade raw pot. इसमें बहुत ही fun है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं. पहले मैं एक 9 volts का battery ले रहा हूँ. Battery से ही तो robot का main body चलेगा. तो चलिए अभी इसका दो पैर भी ले लेंगे. पैर में आप लोग स्पून ले लो और एक आइसक्रीम स्टिक भी चलेगा. फेविक्विक लेकर मैं पहले आप लोग को दिखाऊंगा अगर हम वुड में फेविक्विक लगाएंगे तो क्या होता है, क्या ये चिपकेगा या नहीं चिपकेगा. चलो लेट्स सी इट. नहीं, वो नहीं चिपक सकता है क्योंकि वुड ये ग्लू को ज्यादा अब्सॉर्ब कर ले रहा है. तो फिर इसका सही है, एक फेविक्विक लीजिए और बैटरी पर लगाइए और फिर वुड में चिपकाइए. तो इसका तो बहुत ही स्ट्रांग हो गया. इसे अगर आप लोग बोलोगे निकल जाओ तब भी नहीं निकलेगा. तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लेते हैं. अरे बहुत ही ज्यादा गिर रही है. चलो चिपक जाओ. ये अच्छी से चिपक गया है, देखो कितना अच्छा है. तो अभी ये अच्छा से चल रहा है, देखो. तो अगला है स्टेप, दो छोटे छोटे स्पून के या वो आइस स्टिक के पीसेस लीजिए और फिर थोड़ा ग्लू पैर के एंडों पे लगाइए और ये लगाइए. मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि इससे हमें हमारे रोबोट को पैर का सपोर्ट मिलता है. ये आप लोग दो लगा सकते हैं मिनिमम. तो फिर इसके फुट के लिए मैंने दो ठो बड़े बड़े स्पून के टुकड़े को लिया है. तुम लोग अगर वापस ही आइस स्टिक्स लगा सकते हो, इसमें आइस स्टिक ज्यादा लगता है. ये स्पून का वुडन स्पून भी मिलते हैं, आप लोग को खरीद लो. फिर फेविक्विक इसे अच्छे से एडजस्ट कीजिए वरना ये गिर जाएगा. तो ये एडजस्ट हो गया, देखो कितना अच्छा है, ये बहुत ही स्ट्रांग हो गया. अभी एक बैटरी कीपर लेते हैं, ध्यान रखिए कि बैटरी कीपर पीछे रहे. अभी एक मोटर लेते हैं, ये मेरा फेविक्विक है. ये बहुत ही जल्दी चिपक जाता है, ये सिर्फ 10 रुपीज़ का है. ये मोटर में आप ऐसे लगाओ फिर जल्दी से इसे कीपर के ऊपर ऐसे चिपका दो, लेफ्ट या राइट कुछ भी डायरेक्शन चलेगा. फिर अभी ये कीपर और हमारा मोटर का काला वायर को जोड़ देते हैं. बहुत ही स्ट्रांग से जोड़ दीजिएगा, अगर खुल जाएगा ना तो रोबोट चल ही नहीं पाएगा. ये बहुत ही स्ट्रांग है. अभी एक स्विच लेते हैं, स्विच ही तो मेन है. अभी ये स्विच के लिए मैंने काला वायर पहले से ही लगा हुआ है. अभी इस पे वापस फेविकॉल लगाइए और आप लोग देखिए मैं कहाँ पर लगा रहा हूँ और वही प्लेस में लगाइएगा. दूसरे प्लेस में लगाएंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है. मैंने मोटर का लाल वायर और स्विच का लाल वायर को मिला दिया है और मैं अभी कीपर का लाल वायर को उसके दूसरे तरफ में लगाने वाला हूँ. बहुत ही टाइटली लगाइएगा ताकि ये वॉकिंग करने के समय रोबोट प्रॉब्लम ना हो. देखिए बहुत ही स्ट्रांगली लगाया है, आप लोग चाहे तो सोल्डरिंग भी कर सकते हैं. ये देखो बहुत ही अच्छा से चल रहा है. वाह, ये बहुत ही फास्ट है. वो 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 देखो देखो, इसका स्पीड को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा. ये हो गया. अभी इसके पीछे से सारे वायर्स को उसके पीछे लगा देना. अगर आप लोग को प्लास्टर लगानी है तो प्लास्टर लगाइए, पर ग्लू बिल्कुल मत लगाइए क्योंकि ग्लू लगाने से ये सब उड़ जाएगा. अभी मैं सब क्लीन कीजिए आपका डेस्क को क्योंकि अभी ये वॉक कर सकता है. पर एक पेन का रिफिल को ऐसे काट कर, आधा काट कर उसका बीच का पार्ट को ऐसे मोड़ लीजिए, फिर उसे मोटर का पहिया में रख दीजिए. तो चले इसे मैं डिज़ाइन कर लिया हूँ, मैं पूरा ब्लैक पेपर से इसे डिज़ाइन कर लिया. तो देखो ये कितना क्यूट रोबोट लग रहा है.
तो चलिए अभी इसे शुरू कर देते हैं। ऑन हो जाओ। अरे देखो देखो, ये मेरे पास आ जा रहा है। आ जाओ, इसे तो मैंने ही बनाया। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए कला स्फूर्ति चैनल को। थैंक यू।